हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं, अपने टाइटल में देख लिए होगा आज के वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और इसमें जो एक नया फ़ोन मंगाया फ्लिपकार्ट से मंगाया, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का ब्रांड भी दिख रहा होगा। ये है इन्फिनिक्स का फ़ोन जो कि काफ़ी तगड़ा फ़ोन है और इस प्राइस में आपको जो मिल रहा है काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इन्फिनिक्स की वारंटी होट 30i, ठीक है। ये इसका मॉडल है, कंप्लीट मॉडल है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बड़ा बड़ा सा 128GB तक आपको इसके अंदर स्टोरेज मिलता है, 8GB आपको रैम देखने को मिलता है, प्लस 8GB और रैम मिलेगा जो टोटल हो जाएंगे मिलके 16GB रैम। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, तो ये स्टोरेज को भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो ये 16GB यहाँ पे लिखा भी आप देख रहे होंगे, लगभग 16GB रैम ये बता रहा है, ठीक है। पर 8GB रैम है इसके अंदर डाला हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 50MP कैमरा है जो मेन कैमरा है। बाकी यहाँ पे वारंटी की बात है, ओनली मेड इन इंडिया बता रहा है यहाँ पे। और बैक साइड में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डुअल कैमरा देखने को मिलता है, वो AI कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं AI कैमरा को। AI का मतलब ये होता है। यहाँ पे 16GB रैम जैसे कि उस टाइम में बताया, 5000mAh बैटरी देखने को मिलता है जो कि इस फ़ोन को संभालने के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये G35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि अभी लेटेस्ट प्रोसेसर लॉन्च हुआ है उसी का है, पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है इसमें, और यहाँ पर माउंट कर सकते हो आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ट्रूली ब्राइटनेस डिस्प्ले लिखा हुआ भी आ रहा होगा। 16.76 सेंटीमीटर है, मतलब 6.6 फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब ओपन करते हैं फटाक से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ओपन कर लिया है, काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शायद दोनों तरफ से कट लगा है कि नहीं लगा है, लग गया है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ओपन करने में तो आप देख सकते हैं ये है आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन, और इसमें देखते हैं इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप भी ओपन कर सकते हैं जब नया फ़ोन मंगाते हैं। तो अब इसको रखते हैं साइड में। इससे पहले मैंने एक और ये जो नया फ़ोन मंगाया, एक ही साथ में दोनों आया है, अगर इसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं पोको का, सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम रेट के आसपास है, 1000 का आगे पीछे होगा, बाकी आप देख लीजिएगा। इसका भी अनबॉक्सिंग मैंने कर रखा है, ठीक है, पोको C55 का, तो वो भी देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर भी मैंसन किया है। तो इन्फिनिक्स वाले हर जगह लिख देते हैं अपने स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अच्छा स्पेसिफिकेशन देते हैं तो इनको शर्म नहीं आती लिखने में, कहीं भी लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्जर भी देखने को मिलता है जो कि चार्जर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 10W का आपको चार्जर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है। पर आपको जो पोको वाला जो मैं इससे पहले मैंने लॉन्च वो लिया है, वो उसका आपको टाइप सी चार्जर नहीं देखने को मिलता है, पर इसमें टाइप सी देखने को मिलता है। बाकी जो ये जो चार्जिंग अडेप्टर है वो 10W का दोनों में ही देखने को मिलता है। इसमें आपको आपको देखने को मिलता है एक केस यानी कि कवर आपको देखने को मिलता है, मैनुअल गाइड्स वगैरह देखने को मिलता है इसके अंदर। और ये कवर भी काफ़ी सॉफ्ट दिया है इस बार, ये इन्फिनिक्स वालों ने दिया है और काफ़ी अच्छा है। और इन्फिनिक्स की तरफ से ये आपको कुछ QR कोड के साथ दिया गया है, इसको साइड में रखते हैं और इसमें देखते हैं कि और क्या क्या देखने, ये जो बॉक्स में और देख लिया आपने, कवर भी दे दिया हमें, उस कवर भी दिया था। और अब यहाँ पे देखते हैं तो ये जो फर्स्ट लुक है काफ़ी अच्छा है और देखने में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोन भी लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गंदा सा लग रहा है।
और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है कि आपको इसके अंदर आपको ऊपर में एक रैपर दिया है, आप अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ करेंगे तो स्क्रैच स्क्रैच भी थोड़ा सा बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, आप देख सकते हैं। पर आपको पोको में नहीं देखने को मिलता, उसमें एक्स्ट्रा आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बैक कवर भी दिया है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और ये फ़ोन वगैरह काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वगैरह भी देख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये गिरा हुआ है कहीं पे, पर कोई बात नहीं, हमने इसको ओपन कर लिया है। काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने को मिल रहा है, आप ओपन बॉक्स डिलीवरी मंगा सकते हो। ये डिज़ाइन है जो ये जो आपको दिख रहा है क्रिस्टल, वही सारा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है। और मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है, और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम डाउन और आपका बटन, पावर बटन, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और नीचे ईयरफोन लगाने का 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, और ये माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। इस साइड में आपको सिम डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से आप सिम डाल सकते हो, इजीली निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें सिम जो दिया गया है वो दो सिम लगता है या फिर सिंगल सिम का है। तो इसमें देखने को मिलता है आपको डुअल सिम, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं ईजीली। और इसका जो ये है ये थोड़ा सा वीक सा लग रहा है, पर हाँ अच्छा है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे हम इसको बूट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। इन्फिनिक्स पावर बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे, और ये बॉक्स भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा फ़ोन है जो कि बूट हो गया है। अब यहाँ से हम जो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो हम जहाँ से आप कोई भी है, बांग्लादेश या फिर आप कई कोई से भी स्टेट का है, उसका आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं यूनाइटेड इंग्लिश को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपना जो सिम डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो स्किप कीजिए, ठीक है। सिम डालने के लिए बोल रहा था, स्किप करना है, वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद आपको सिम डालने के लिए ये सब पावर बटन, ये सब कैसे यूज़ करना है, ये सब बताया गया। और यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स का यूज़र मैनुअल दिया गया, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गेटिंग योर फोन रेडी टू मेक फ्यू मिनट मांग रहा है आपसे, और फ्यू मिनट में आपका हो जाएगा सेटअप। इसके बाद इसके अंदर हम आप देखेंगे कि इसका फ़ोटो क्वालिटी कैसा आ रहा है, साउंड टेस्टिंग करके देखेंगे, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि इसकी वीडियो कैसी बन रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में सारे क्लेरिफिकेशन हो जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक ये सेटअप कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर सकते हो, वाईफाई आप कनेक्ट नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, ठीक है, वाईफाई। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस लॉक और ये सब देखने को मिल जाता है। तो मैं पहले पासवर्ड को सेट कर लेता हूँ, पैटर्न लॉक सेट कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो स्किप पे क्लिक करते हैं, और इस पर हम क्लिक करते हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो सक्सेसफुली हमारा लॉन्च हो रहा है डेस्कटॉप, ये हो गया है। अब इसका यूआई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है, फ़ोन भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेटिंग में जाते हैं तो आपको इसका सेटिंग का यूआई कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। और तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट को टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो फिंगरप्रिंट भी मैंने लगा लिया है, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम फेस लॉक को देखते हैं, फेस लॉक कैसा होता है। तो मैं इस वाले फिंगर से फेस लॉक को चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं फेस लॉक भी खुल गया, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसको ओपन करना होगा, उसके बाद फेस लॉक काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है। तो फेस लॉक में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, और फिंगरप्रिंट भी लॉक वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इसका साउंड टेस्टिंग और कैमरा टेस्टिंग। तो कैमरा में सबसे पहले हम इसका एक वीडियो शूट फोटोस क्लिक कर लेते हैं, और इसके कैमरा सेटिंग के बारे में भी जान लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या सेटिंग देखने को मिलता है। इसमें आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है, पोको के फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है, तो काफ़ी बेकार फ़ोन है। मैं आपको ये बोलूँगा ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको और भी फिल्टर्स वगैरह भी देखने को मिलता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो इसीलिए, ठीक है। तो ये फ़ोन मेरा मानो तो आप काफ़ी अच्छा है, कंपेयर करो किसी और फ़ोन से। तो अब वीडियो की बात करते हैं तो वो आपको फुल HD तक सपोर्ट करता है, स्लो मोशन भी सपोर्ट करता है इसमें, उसमें नहीं करता है। और वीडियो में देखते हैं क्वालिटी आपको 1080p तक सपोर्ट करता है, यानी कि 4K वीडियो वो भी शूट नहीं कर सकता जो पोको C55 था और ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सॉरी, ये भी नहीं सपोर्ट करेगा, फुल HD ही तक। और बाकी जो फीचर्स है यहाँ पे ज़्यादा है, फिंगरप्रिंट से भी आप अपना कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते। इसमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलता है, इनडायरेक्टली आपको बताऊँ तो, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चीज़ है जो इसमें फ़ीचर्स देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से मैं इसको फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। और इसमें पोर्ट्रेट मोड भी देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है। और AI कैमरा पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, और ये फ़ोटो हमने क्लिक कर लिया है। और यहाँ फ़ोटो के कलर वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर देखने को मिलता है। कुछ फ़ोटो मैं बाहर से भी क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये कुछ फ़ोटोज़ लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर फ़ोटो दिख रहा है। साथ में ये सेल्फी है, साथ में एक और सेल्फी है, आप देख रहे होंगे। आपको ये सब सेल्फी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, फ़ोटोज़ वगैरह जूम करने के बाद भी काफ़ी अच्छा क्लियर आ रहा है। और यहाँ पर ये फ़ोटोज़ देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। फ़ोटोज़ में कोई कमी नहीं है, फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है आपको। और ये जो पौधे का जो कलर सेचुरेशन वगैरह है, काफ़ी हद तक रियल लिया है। और साथ ही साथ में ये 10x जूम करने के बाद ये पौधा, मैं दूर सामने वाले बिल्डिंग में था उसको मैंने क्लिक कर किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है देखने को, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं जो कि 50 MP जो बैक कैमरा है उससे वीडियो बनाया मैंने, और वीडियो की साउंड भी सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोटो वीडियो निकल के आया, वीडियो भी शूट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा, शेक भी नहीं करता ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रंट वाले कैमरे से देख सकते हैं, फ्रंट वाले कैमरे से मैंने लिया है तो आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा होगा। गाइज़, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं साउंड टेस्टिंग कर लेता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं म्यूजिक साउंड, देख सकते हैं। तो म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। चलिए मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब इसके स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो स्टोरेज आपको कितना भी अवेलेबल स्टोरेज कितना मिलता है, तो आपको 102 GB आपको स्टोरेज इसमें अवेलेबल मिलता है। बाकी जो स्टोरेज है इसका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ने ले लिया है, आप चाहे तो यहाँ से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।